वेलकम बैक स्टूडेंट्स फॉर एमसीक्यू थर्ड चैप्टर संघीय व्यवस्था फेडरलिज्म रेडी स्टार्ट एक क्यों सरकार व्यवस्था रे क्षमतार बंटन हो न थाए से दब ऐकिक संघीय गणतंत्र एमती तुम जान क्षमतार बंटन हो न थाए बोले ऐकिक राष्ट्र एग्जाम्पल इंग्लैंड क्षमतार बंटन हो थाए बोले संघीय राष्ट्र एग्जाम्पल इंडिया यूएसए राइट मुझे गोटे दुटा मिसेक आर कौच क्वेश्चन सेट करके आ गोटे क्वेश्चन देख देश राष्ट्र रे दौत सरकार थाए दौत सरकार ड्वाल गवर्नमेंट संघीय राष्ट्र से चॉइस दब तुमको तब ये कर ड्वाल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट गोटे स्टेट गवर्नमेंट गोटे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा आम अच्छे ना ना तेणु यहाँ ड्वाल गवर्नमेंट गढ़े यहाँ गोटे दुई मार्क ना तीन मार्क पड़ा कोड़े कोड़े ना कोड़े एक मन रख अच्छा संघीय राष्ट्र रे देश द्वारा केंद्र और आंचलिक सरकार मध्य क्षमता बंटन होता है का द्वारा होता है अच्छा आंसर हम संविधान द्वारा ना तुम कह आम संविधान कि संविधान बोल पचार से संघीय व्यवस्था लिखित और अनमनीय संविधान पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय देश इन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन ए कंट्री इन ए फेडरल कंट्री द आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन और यू कैन राइट रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रे रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी फेडरल स्टेट सब प्राय रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन थी मन रखत नेक्स्ट इंग्लैंड एक देश राष्ट्र ऐकिक राष्ट्र अमेरिका एक देश राष्ट्र संघीय राष्ट्र खाली से नुहे इंग्लैंड हूँ पुरातन प्रथम ऐकिक राष्ट्र अमेरिका हूँ पुरातन प्रथम संघीय राष्ट्र यहाँ गोटे वर्ष दुई जगह रहता पे मन रखत केतक सार्वभौमिक राष्ट्र सम्मिलनी को देश कहते संघराष्ट्र कहते कन्फेडरेशन सार्वभौमिक राष्ट्र एग्जीक्यूशन माने यूनिट को संघराष्ट्र इंग्लिश रे कन्फेडरेशन फ्यूडस अर्थ कौन चुक्ति बा राजीनामा बोले फेडराल शब्दी फ्यूडस राष्ट्र व्हिच मीन्स एग्रीमेंट राइट एटा गोटे इंपोर्टेंट देश राष्ट्र रे क्षमता केंद्रीकरण होइथाए क्षमता केंद्रीकरण ऐकिक राष्ट्र विकेंद्रीकरण हेले संघीय राष्ट्र पावर सेंट्रलाइज्ड इज इक्वल टू यूनिटरी स्टेट पावर डिसेंट्रलाइज्ड इज इक्वल टू फेडरल स्टेट ओवर एकक नागरिकता देश राष्ट्रर एक लक्षण ऐकिक ना संघीय गणतंत्र ना धर्मनिरपेक्ष बोली पचारे सी आम कौन लिखा एकक नागरिकत्व ऐकिक राष्ट्रर एक लक्षण मात्र इंडिया संघीय हेले एकक नागरिकत्व अच्छे अच्छा पिला माने एकक नागरिकत्व कहले कौन बुझ भी इम्पोर्टेंट ओके सेटा भी देखत नेक्स्ट देख एक संघीय राष्ट्र रे देश द्वारा केंद्र और राज्य मध्य क्षमता बंटन करा जाय था एबे तो कहीदेली संविधान से चॉइस रे संविधान लिखित संविधान दुईटा दौर से मुंड खराब हो जाए जदि दबो बोले लिखित संविधान लिख रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एक ऐकिक राष्ट्र रे देश संविधान थाए एबे तो कहली ऐकिक राष्ट्र रे बोले फ्लेक्सिबल एंड अनरिटन प्रायतः फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन नमनीय संविधान भारत राष्ट्र मानकर एक देश यहाँ इम्पोर्टेंट से संघ राइट इंडिया इज ए देश ऑफ स्टेट्स यूनियन ऑफ स्टेट्स देश ऑफ स्टेट्स यूनियन ऑफ स्टेट्स भारत रे डेस्ट राज्य डेस्ट केन्द्रशासित अंचल अच्छी 29+7 स्टेट्स एंड यूनिटरी यूनियन टेरिटोरीज रिमेम्बर 29+7 सतरा भारत हाँ पिला माने एटा गोटे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भारत आकार रे डेस हेले मध्य प्रकृति रे डेस मते क्वेश्चन को पुनः रिपीट करिया पड़िबो भारत आकार रे डेस हेले मध्य प्रकृति रे डेस कहिला हेले
आकार रे देखिबा को फेडरल हेले मध्य फेडरल बोले संघीय हेले मध्य प्रकृति होचे यार कोन ऐकिक संघीय तापर ऐकिक पद आइबो ये डबल डबल मिसे मिसे एकदम कन्फ्यूज करबा एकदम बोले इंडिया इज फेडरल इन डैश यूनिटरी इन डैश बोले पचारियो इंग्लिश रे फेडरल इन स्ट्रक्चर यूनिटरी इन स्पिरिट सो स्ट्रक्चर एंड स्पिरिट दुटा जाक मन रखिए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स केन्द्र तालिकार डेस्ट विषय अच्छी अनेस्पत राज्य तालिकार डेस्ट विषय अच्छी एकसठ कौट छठ दौर कौटी एकसठ दौर एकसठ दे थो एकसठ सिलेक्ट कर ओके जुग्म तालिकार डेस्ट विषय अच्छी बावन टी फिफ्टी टू सो यूनियन लिस्ट नाइंटी नाइन स्टेट लिस्ट सिक्सटी टू कनकरेन्ट लिस्ट तुम है फिफ्टी टू आर्टिकल डेस्ट डिल्स विथ रिजुडरी पावर अतिरिक्त क्षमता अवशिष्ट क्षमता धारा के 248 से गोटे इम्पोर्टेन्ट ये पाने इम्पोर्टेन्ट एमती पचारे भारत संघीय व्यवस्था डेस संघीय व्यवस्था केन्द्राभिमुखी ना केन्द्र प्रसारित ना आउ कौन बोली पचार मन रखि भारत संघीय व्यवस्था केन्द्राभिमुखी संघीय व्यवस्था सेन्ट्रपिटल देख केन्द्रीय व्यवस्था तीन प्रकार अच्छे संघीय व्यवस्था सेन्ट्रपिटल सेन्ट्रफ्युगल कोऑपरेटिव बोले कॉपरेसन जो थी सहयोग सो इंडिया हूँ सेन्ट्रपिटाल बिकज सेन्टर इज मोर पावरफुल एठार केन्द्र सरकार सब क्षमताशा रईट बी आर अंबेदकर को पचरा गला आज आप कहीं व्यवस्था कले सी ड्राफ्टिंग कमिटर चेयरमैन ना बोले से कहला देख भारत ऐक्य अखंडता को बजाय रखापी आमको एमती ही पड़ो तेणु आम भारतीय संघीय व्यवस्था को केन्द्राभिमुखी संघीय व्यवस्था कलु सेन्ट्रपिटाल फेडरेशन फेडरालिजम ये तीन टा जाक मध्य बिट क्वेश्चन को इम्पोर्टेन्ट केन्द्रीय अभिमुखी संघीय व्यवस्था कहले कौन बुझ केन्द्र प्रसारित संघीय व्यवस्था कहले कौन बुझ सेन्ट्रपिटाल सेन्ट्रफ्युगल कोऑपरेटिवटा कही हेनी हेल्ले भी जानवा कथ कोऑपरेटिव फेडरालिजम बोले परस्पर सहयोग में शासन चलते ए पाठ मेंट सरकार टी बहुत इम्पोर्टेन्ट पाने देख मेंट सरकार प्रथम केबे होता कौटी होता इंडिया रे मोराजी दिशाई ना के ता अधीन रे होता सतरश सेवेन्टी सिक्सटी सिक्स बोधा कि सिक्सटी सेवेन रे होता यहाँ टी तुम देखिपार पाने मेंट सरकार ये कौटी आइब इटी ना सीटा इटे आस दलय व्यवस्था आस ओके छाड़ सीटा एबे देख मु नेक्स्ट तुमको बड़ चैप्टरटा आइब तेणुक ये भिडियो सहित सीटा लिंक करेंगे आउ गोटे कौच तुमको नेक्स्ट चैप्टरटा हूँ कौन स्वायत्त शासन व्यवस्था आर बहुत गुटे क्वेश्चन आइब एम सी क्यू तेणु आपको टी अलग भिडियो एक्सप्रेस कर नेक्स्ट भिडियो ओके बाय रीड वेल।